फ्रेंड्स, मैं गरिमा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द परफेक्ट पैलेट बाय गरिमा में। आज मैं बनाने वाली हूं बहुत ज़्यादा हेल्दी बथुआ के पराठे। बथुआ के पराठे बहुत ही इजी मेथड से बनाऊंगी। बथुआ ठंड में आती है और इसकी तासीर चूँकि गर्म होती है, तो ये हमें ज़रूर खानी चाहिए ठंड के सीज़न में। किसी भी फॉर्म में खाइए, लेकिन आप इसे ज़रूर खाइए। तो चलिए आज हम इसके पराठे बनाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए स्टेप बाय स्टेप, और कैसे बने पराठे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और घर में इसे ज़रूर बनाइए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए हमने बथुआ को क्लीन करके अच्छे से वॉश कर लिया है और हमने इसे ड्राई भी कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो मैंने इसके लिए थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ले ली है और 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा ले लिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इसे ग्राइंड करने के लिए। हमने बथुआ का पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें लगभग आधा कप के करीब पानी लगा है और अब हम इसी से आटा लगाएंगे। तो चलिए आटे में हम कुछ अपने बेसिक मसाले डाल देते हैं। तो मैंने लिया है नमक, धनिया और लाल मिर्च। ग्रीन चिली मैंने पहले से ही डाल दी थी, तो मैंने मिर्च थोड़ी सी ली है। अब हम इसमें थोड़े से ज़ीरा डाल देंगे। 1 से 1.5 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें मसाले अपनी टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं, कुछ भी मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें बथुआ का पेस्ट डालेंगे। और इसी पेस्ट से हम आटा लगाएंगे। हमने आटा लगा लिया है। अब इसमें हमने 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है और अब इसे हम कवर करके आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद हम पराठे सेकेंगे। हमने करीब 1.5 कप के करीब आटा लिया था, उसमें हमारा इतना मिक्स बच गया है। इसे हम 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो अब हम अपना आटा आधे घंटे के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम पराठे सेकेंगे। आधे घंटे हो गए हैं, अब देखते हैं हमारा आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इससे अच्छे से पराठे बनाएंगे। अब हम इससे पराठे बनाते हैं। चलिए अब हम पराठे बनाते हैं। मैंने गैस ऑन करके तवा रख दिया है। तवा गर्म होता है तब तक हम अपना पराठा बेल लेते हैं। आप पराठा किसी भी साइज़, शेप, मोटा पतला कैसे भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं।
हमारा पराठा बेल गया है और हमारी तवा भी गर्म हो गई है, तो चलिए अब हम पराठा सेकते हैं। तब तक हम दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। मैं स्क्वायर बना रही हूँ, आप लोग गोल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। हमारा पराठा एक तरफ से सिक गया है, अब हम इसमें ऑयल लगा देते हैं। इसमें अच्छी ब्राउन चित्ती भी आ गई है। गैस हम मीडियम पे रखेंगे, दोनों तरफ पलट के बहुत अच्छे से सेक लेंगे। ऑयल लगा देंगे, आप ऑयल, घी, बटर कुछ भी लगा सकते हैं। एक पराठा हमारा सिक रहा है, तब तक हमने एक बेल भी लिया। देखिए अब एक तरफ से हमारा कितना अच्छा करारा हो गया है पराठा, ब्राउन चित्ती आ गई है। दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक के हम उसे निकाल लेंगे। हमारा पराठा दोनों तरफ से बहुत अच्छे से हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सिका हुआ है। इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। तब तक हम अपना अगला पराठा बेल लेंगे। बथुआ बहुत ज़्यादा फायदा करती है, ये ठंड में आती है और इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसको किसी भी फॉर्म में ज़रूर खाना चाहिए। चाहे आप इसकी सब्ज़ी बना के खाएं, चाहे आप पराठा या पूरी या रायता कुछ भी बना के खाएं, लेकिन इसको खाना ज़रूर चाहिए। दोनों तरफ से पलट के सेकना है, अच्छे करारे होने तक सेकना है। लीजिए, इसी तरीके से अब हम अपने सारे पराठे सेक लेते हैं। हमारे गर्मा गर्म बथुआ के पराठे एकदम रेडी हैं, अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए लीजिए, हमारे बेहद पौष्टिक और टेस्टी बथुआ के पराठे एकदम रेडी हैं। आप इसे दही, चटनी या सब्ज़ी या रायता किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और आप घर में से बनाइए। और कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, इससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू।